हेलो स्ट्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्ट्रेंड्स ऑफ क्लास फर्स्ट। डियर स्ट्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर गुड। स्ट्रेंड्स, नाउ आई एम हेयर विद द रिविजन वर्क एंड आई हैव हेयर इंग्लिश कोर्स बुक। ओके, एंड स्ट्रेंड्स, एज यू ऑल नो, स्टडी वी हैव स्टार्टेड द रिविजन ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर नेम इज हाउ थिंग्स ग्रो। ठीक है ना, इस चैप्टर का हम लोगों ने रिविजन स्टार्ट किया है, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। स्ट्रेंड्स, नाउ आई एम हेयर विद द नेक्स्ट पेज नंबर एंड टुडे यू हैव द पेज नंबर 21। ओके, पेज नंबर 21। सो ऑल ऑफ यू, लेट्स ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 21 देयर। एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन फर्स्टली एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑल्सो। ओके स्ट्रेंड्स, सो स्ट्रेंड्स, इन द चैप्टर वी वर रीडिंग अबाउट दैट हाउ डज द थिंग्स ग्रो, मीन्स जो भी थिंग्स होती है, चीज़ें होती हैं, लाइक अ बटरफ्लाई, वी हैव रीड अबाउट अ बटरफ्लाई, अबाउट अ फ्रॉग एंड देयर वॉज ऑल्सो अबाउट अ फ्लावर। ओके, नाउ वी हैव टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, ओके, अबाउट देयर ग्रोइंग। एंड आज जो हमारा टॉपिक है, इन दिस पेज नंबर वी विल रीड अबाउट द ग्रोइंग ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना, मीन जब एक पर्सन बॉर्न होता है एंड आफ्टर दैट उनका जो ग्रोइंग का जो स्टेप होता है, वो स्टेप कैसा होता है, वन बाय वन क्या स्टेप होती है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग रीड करेंगे। सो विच इज़ गिवन हियर, स्टार्ट नाउ। नाउ यू नो हाउ थिंग्स ग्रो। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स ग्रो, मीन्स जो थिंग्स होती है लाइक बटरफ्लाई, फ्रॉग और फ्लावर्स कैसे ग्रो करते हैं। Do you know how people grow? And now you have to read and think about that. जो people होते हैं वो कैसे grow करते हैं, उनकी growing step क्या होती है। Okay? So start to read that one. Start now. What is the first step for the people growing? At first, they are babies. सबसे पहला step क्या होता है? When they born, they just like a baby. जब वो बॉर्न होते हैं तो बिल्कुल एक बेबी की तरह होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है ना, बेबीज़ होते हैं। दे कांट टॉक, और वो क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट टॉक, वो टॉकिंग भी नहीं कर सकते, वो अनेबल रहते हैं, टॉकिंग नहीं कर सकते। आर वॉक, और वॉकिंग के भी एबल वो नहीं रहते। नाइदर दे कैन टॉक आर नॉर वॉक, मीन्स नहीं वो बात कर सकते और नहीं वो वॉकिंग, मीन्स अपने फूड का यूज़ करके वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। देन दे स्टार्ट टू क्रॉल, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम, ओके, स्लोली स्लोली वो क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, मीन्स उनका जो नी होता है ना, नी के फोर्स पे वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, दे बिगिन टू टॉक, धीरे धीरे वो एक वन वर्ड बोलते हैं, टू वर्ड बोलते हैं, थ्री वर्ड बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते और वो टॉकिंग करना, बोलना सीखने लगते हैं, वॉक और वॉकिंग चलना भी शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्रॉलिंग की हेल्प से, जब वो क्रॉलिंग करते हैं धीरे धीरे वो स्टैंडिंग होते हैं, स्टैंडिंग से फिर चलने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दे बिकम टॉलर एंड टॉलर, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, दे बिकम टॉलर, वो धीरे धीरे टॉल, मीन्स वो उनकी जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है, बड़े धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एंड एट लास्ट फाइनली दे बिकम एडल्ट, और लास्ट में वो एडल्ट हो जाते हैं, फाइनली मीन्स वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो भी वर्क है लाइक टॉकिंग और वॉकिंग और अबाउट देयर वर्क, ठीक है ना, वॉट एवर वर्क्स दे हैव टू डू, वो सारे वर्क खुद ही वो लोग करने लगते हैं। ठीक है, अब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ बेबी बॉर्न, यहाँ देखिए एक बेबी रहती है जब बॉर्न होती है तो, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, ये क्रॉलिंग स्टार्ट करती है, देखिए क्रॉलिंग, ये नी से स्टार्ट करिए, नी के फोर्स पे क्रॉलिंग करती है, एंड देन यहाँ पे स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, ये टॉल हो रहा है, ठीक है ना, वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंड लास्ट में क्या हो गए हैं, फाइनली एडल्ट हो गए हैं, नाउ ही इज़ एबल टू डू हिज ऑल वर्क, ओके, ही इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी वन, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे अब। सो इट्स नाउ फाइनली कॉल अबाउट एडल्ट्स। तो ये हम लोगों ने रीड किया अबाउट द पीपल ग्रोइंग, कि वो कैसे ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए आपकी एक्सरसाइजेज हैं एज वी रीड, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड ऑल्सो द
देखते हैं, व्हाट डज अ बटरफ्लाई ले, एक बटरफ्लाई जो है वो बटरफ्लाई क्या क्या ले करती है। सबसे पहले वो एक टाइनी एग की तरह होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट कम्स आउट ऑफ दीज एग्स, और जो एग्स होते हैं जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वेट, ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर रीडिंग अबाउट द सेकेंड वन, व्हाट कम्स आउट दीज एग्स, ठीक है ना। तो इन सारी जो बटरफ्लाई की एग्स होती है उससे क्या आउटसाइड, उससे क्या कम्स आउट होती है, बाहर आती है कैटरपिलर, ओके, दैट बिकम्स अ कैटरपिलर। नेक्स्ट आपका है हु कम्स आउट ऑफ अ कुकून, हु कम्स आउट ऑफ अ कुकून, कुकून जो है, हु कम्स आउट ऑफ अ कुकून मीन्स कौन कुकून से बाहर आता है, ठीक है ना, आउट आता है, कैटरपिलर, ओके। यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, कैटरपिलर। नेक्स्ट है हु कम्स आउट ऑफ अ फ्रॉग्स एग्स, फ्रॉग के एग से कौन आउट आता है, ओके तो आपका आंसर क्या होगा, टेल मी, टैटपोल, ठीक है, टैटपोल। नेक्स्ट है हु टर्न्स इनटू अ फ्रॉग, कौन एक फ्रॉग में टर्न हो जाता है, कैन यू टेल मी अबाउट, ये भी आपका सेम होगा, कौन होता है, टैटपोल जो है वो स्लोली स्लोली फ्रॉग में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम, फ्लावर्स कहाँ से ग्रो करते हैं, ग्रो फ्रॉम कहाँ से ग्रो करते हैं, इट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड, ठीक है ना, सीड से, या ग्रो फ्रॉम अ कहाँ से करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आपका है हु ऑल हेल्प द सीड टू ग्रो, हु ऑल हेल्प द सीड टू ग्रो, सीड को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, वो करती हैं रेन एंड वॉट, रेन और सेकेंड आपका क्या है, रेन है और सन है, ठीक है, दोनों ग्रो कर, दोनों हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग बेबीज डू, बेबी सबसे पहले कौन सा वर्क करते हैं, यस फर्स्टली दे स्टार्ट टू क्रॉल, पहले क्रॉलिंग करते हैं ना, क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉलिंग व्हाट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉल, मीन्स टू मूव ऑन योर हैंड्स एंड नीज, ओके, मूव बाय यूजिंग हैंड्स एंड नीज, तो पहले क्रॉलिंग करते हैं, राइट कर देंगे। नेक्स्ट व्हाट डू दे डू नेक्स्ट एंड आफ्टर क्रॉलिंग, बेबी क्या करते हैं, आफ्टर दैट दे बिगिन टू टॉक एंड वॉक, ओके, आफ्टर दिस बेबीज बिगिन टू टॉक एंड वॉक, ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइजेस थी, यू डोंट हैव टू राइट दीज इन योर नोटबुक, ओनली जस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी। सो डियर ऑल, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट, लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी, स्टूडेंट्स नाउ आई हैव सम मीनिंग हेयर फ्रॉम द स्टोरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटरपिलर, यहाँ देखिए कैटरपिलर की पिक्चर है, ठीक है, जब बटरफ्लाई ग्रो करता है तो सबसे पहले टाइनी एग में क्या होता है, टाइनी एग में वो टाइनी एग से स्टार्ट होता है एंड आफ्टर सम टाइम ये टाइनी एग कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कैटरपिलर का यहाँ देखिए पिक्चर है एंड आफ्टर दिस कुकुन, कुकुन यू कैन सी स्टूडेंट्स कुकुन, नाउ देयर इज लीव्स, देखिए यहाँ पे लीव्स हैं, इस लीव्स में क्या है, जो टाइनी एग हैं वो टाइनी एग क्या हो गए हैं, बिग हो गए हैं, ठीक है ना, ग्रो कर गए हैं, तो ये आपका कुकुन, कुकुन की पिक्चर है। नेक्स्ट हैच टू ब्रेक ओपन, हैचिंग करना, एग हैचेज मीन एग क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ओपन होते हैं, टूट के ओपन होते हैं। टैटपोल द यंग फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग, जब फ्रॉग यंग होता है, ठीक है ना, अपनी स्टार्टिंग एज में जब होता है, यंग एज में, तो उसको क्या कॉल करते हैं, टैटपोल। नेक्स्ट है सीड विच यू कैन सी हियर, ओके, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ फ्लावर टू ग्रो अ फ्लावर, ये सीड देखिए यहाँ पे, एंड हु हेल्प्स टू दिस सीज, सन एंड रेन हेल्प्स टू दिस सीज, ओके, फॉर ग्रोइंग। नेक्स्ट देखिए रूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट है, और रूट जो है वो ग्रो करते हैं इन टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बर्ड है, जो कि आप इसको कली कह सकते हैं, ठीक है, फ्लावर के स्टेप में आती है ये। नेक्स्ट क्रॉल टू मूव ऑन योर हैंड्स एंड नीज, ओके, मूव बाय यूजिंग हैंड्स एंड नीज, दैट्स कॉल्ड क्रॉल। नेक्स्ट है एडल्ट मीन्स अ फुली ग्रोन पर्सन, व्हेन अ पर्सन फुली ग्रोन, ओके, सो यू कैन कॉल टू दैट एडल्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग बी, इन द स्पेलिंग बी वी हैव सम वर्ड्स,
स्पेलिंग प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स यू हैव टू कीप प्रैक्टिस फॉर दीज स्पेलिंग्स सो लेट्स स्टार्ट टू सी फर्स्टली फर्स्ट एग इज देयर बर्ड टाइनी रैन आ सीट ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं ये सारे आपके चैप्टर से स्टोरी से ही हैं ठीक है तो आप इन सारे वर्ड्स को रीड कीजिएगा विद द करेक्ट स्पेलिंग ओके स्टूडेंट्स नाउ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग्स आर कंप्लीटेड ऑन पेज नंबर 21 आई हैव नेक्स्ट पेज नंबर ऑल्सो नाउ लेट्स कम ऑन देयर स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 22 पेज नंबर 22 सब लोग ओपन कर लीजिए देयर वी हैव एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट लेट्स ट्राई फर्स्ट Looking at the picture. Look at the pictures on page number 20. Start. Where does a caterpillar go after it eats a lot of leaves? A caterpillar बहुत सारे leaves को eating करने के बाद कहाँ जाती है? Okay? Answer आपका है inside a cocoon. A caterpillar goes inside a cocoon after it's a lot of leaves. या inside a cocoon आप write कर देंगे. Next, what does a tadpole grow to become? जब एक टैटपोल ग्रो करती है देन वो क्या बिकम हो जाती है क्या बन जाती है फ्रॉग नेक्स्ट वेयर डू रूट्स ग्रो इन टू रूट्स कहाँ ग्रो करते हैं रूट्स ग्रो टू द ग्राउंड ठीक है ग्राउंड कर देंगे नेक्स्ट वॉट हैपन्स टू अ बर्ड वैन इट ओपन्स जब क्या क्या होता है वॉट हैपन्स टू अ बर्ड जब बर्ड ओपन होता है तो फाइनली किस में चेंज होता है दैट्स टेक or that take place in flower means that becomes a flower okay students so now these are your today's exercises let's try first and now let's try two you have here and three also and you have to revise these at home if you haven't done your book till now so start to complete your book till now and keep your revision work revise your chapters very well for your exam okay Okay, students, now thank you. Have a good day.